आप देख रहे हैं TNB। होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार के साथ ही ठंडई और रंगों का जिक्र शुरू हो जाता है। तो आज आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे खसखस ठंडई आप अपने घर पर बैठे ही बना सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। बादाम खसखस ठंडई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले बादाम और तरबूज खरबूज के बीजों को रात भर भिंगोकर रख दे। इसके बाद बादाम के छिलके उतार कर इन्हें पीस ले। अब बता दें आप सभी को कि सबसे पहले सभी सामग्रियों के साथ तरबूज खरबूज के बीज को मिक्स करके पीस लिए। मीडियम आंच में एक पैन में पानी और चीनी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं। चाशनी के बनते ही पिसे हुए मसालों का मिश्रण डालकर लगभग 20 मिनट तक उसे उबाल ले। ठीक तय समय के बाद आंच बंद कर इसे छान ले। छाने हुए मिश्रण के ठंडा होने पर केवड़ा का पानी गुलाब जल मिलाकर बोतल में भरकर फ्रिज में रख दे। बता दें कि इतने आसान से इजी ट्रिक से आप सभी की बादाम मसाला खसखस ठंडई आसानी से तैयार हो जाएगी। इसके लिए जिन सामग्रियों की जरूरत है वो भी आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले आप सभी को 50 ग्राम खसखस लेना है, 25 ग्राम खरबूज तरबूज के बीज लेने हैं, एक छोटी कटोरी बादाम, 2 चम्मच शक्कर, 1 कटोरी पानी, 10 से 12 इलायची, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 100 मिली गुलाब जल, 2 छोटा चम्मच केवड़ा जल और गुलाब की पंतियां। इन सभी सामग्रियों के जरिए आप सभी बादाम खसखस ठंडई आराम से बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं और होली के त्यौहार का आनंद उठा सकते हैं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।